नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो आज मैं आपके साथ आंवला कैंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे बाल के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, इम्यूनिटी के लिए आंवला हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो इसीलिए हम इसकी कैंडी बनाकर स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आंवला कैंडी बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने आंवला को स्टीमर में रख दिया है स्टीम करने के लिए। ये करीब 1.5 किलो जितने आंवला है, तो इसे हमने अच्छी तरह से स्टीम कर लिया है जिससे कि ये अच्छे से खिल गए हैं, उसकी कलियाँ भी अलग अलग इसमें हो गई है। तो बस हमें इसे थोड़ी ही देर के लिए स्टीम करना है जिससे इसकी कलियाँ हैं वो अलग अलग हो जाए। सभी आंवले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसमें से बीज को निकाल लेंगे। सभी आंवले में से हमें बीज निकाल लेने हैं और उसकी कलियाँ को अलग अलग कर देना है। सभी कलियाँ हमारी अलग हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हमें जितना आंवला लिया है उतनी ही चीनी लेनी है। तो हम इस तरह से फैला देंगे चीनी को और ढक्कन को कर देंगे बंद। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे जिससे कि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। तो हमें इसे 2 दिन तक ऐसे ही रखना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। 2 दिन हो चुके हैं, जो आंवला है उसने अच्छे से हमारी जो चीनी है उसको एब्सॉर्ब कर लिया है, चीनी का पानी बन चुका है। तो अब हम इसे छान लेंगे। सभी आंवले की कलियों को हम इस तरह से छान लेंगे। तो हमारी चीनी वाली जो अब कलियां हैं उसको हम 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाएंगे। उसको इस तरह से थाली में हम अलग अलग करके रख देंगे और उसे धूप में 3 से 4 दिन तक, अगर बहुत कम धूप हो तो 3 से 4 दिन लगेंगे, नहीं तो 2 दिन में ही अच्छे से ये सूख जाती है। तो हमारी जो कलियाँ हैं वो अच्छे से सूख चुकी हैं, आप देख सकते हैं। आंवले का बचा हुआ पानी है उसको हम स्टोर करके रखेंगे। इसमें थोड़ी सी और चीनी मिलाकर उसे और थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो ये अच्छे से आंवले की चाशनी बन जाएगी और हम इसे थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी में लेकर पीकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पानी को नहीं फेंकना है और इसे इस तरह से यूज़ कर लेना है। तो हमारी जो आंवला है वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आंवला के साथ शुगर पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम जो एक्स्ट्रा शुगर पाउडर है उसे छन्नी की मदद से छान लेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा चीनी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने सभी आंवले को अच्छे से छान लिया है और जो एक्स्ट्रा शुगर है वो नीचे निकल आई है। तो हमारी आंवला कैंडी बन के तैयार हो चुकी है, एकदम टेस्टी। ये आंवला कैंडी आप एक बार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।